Hello dear students, in this video we will learn unitary method. So first of all we will discuss what is unitary method. This is a method to find the value of one unit first and then the value of the required number of units. That's why we will call it a unitary method. Two quantities are said to be in direct variation if they increase or decrease in one quantity and leads to the corresponding increase or decrease in the other quantity. So more number of articles, more its value of given number of article we can find by finding the value of one article and by multiplying that with the number of article. So less ka find karna hai to less value aayegi. अब एक वैल्यू की एक आर्टिकल की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हम टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स से डिवाइड करा देंगे टोटल वैल्यू को. तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड है क्या उसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं ताकि क्वेश्चंस करने में इजी हो जाए. तो वैल्यू हमें पहले जैसे यहाँ पे 16 नोटबुक्स दे रखा है, 16 नोटबुक्स की डायरेक्ट वैल्यू बता दी और 30 की फाइंड करनी है. तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें एक की वैल्यू नहीं बता रखी होती, एक की वैल्यू को पता करना ही यहाँ पे यूनिटरी मेथड की हेल्प लेनी पड़ती है. यूनिटरी मेथड यूज करते हैं तो हम ऐसे क्वेश्चन आज करेंगे. इसके लिए मैं छोटे से दो फॉर्मूलाज लिख देता हूँ. तो फर्स्ट है वैल्यू ऑफ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स. अगर वैल्यू फाइंड करनी है गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल तो उसके लिए पहले हमें वैल्यू ऑफ वन पता होना चाहिए. तो वैल्यू ऑफ वन, एक की वैल्यू कैसे पता करते हैं, बाय डिवाइडिंग वैल्यू ऑफ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल दे रखे हैं उन सबकी वैल्यू नंबर ऑफ आर्टिकल और इसे डिवाइड करवा देंगे हम टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ आर्टिकल्स मतलब कितनी चीजें उससे डिवाइड करवा देंगे. ओके और इसके बाद अगर हमें पता करना है गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल वैल्यू ऑफ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल, अगर मान लो यहाँ पे हमसे 30 नोटबुक के बारे में पूछा गया तो वैल्यू ऑफ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल कितना हो गया 30. 30 की पता करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, वी विल मल्टीप्लाई इट बाय द वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल. एक आर्टिकल की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ आर्टिकल से. बस ये छोटा सा काम करना है, इसको ही हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड. तो चलो शुरू कर लेते हैं. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इफ 16 नोटबुक्स की कॉस्ट दे रखी है इतने रुपीस, हाउ मच वुड 30 सच नोटबुक्स. तो पहले 16 से एक की वैल्यू निकालेंगे और एक की वैल्यू को इंटू करके 30 से 30 की वैल्यू निकालेंगे. तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक, एक नोटबुक की कीमत. तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लिखा था हमने, देखो कॉस्ट ऑफ वन निकालना था, क्या था वैल्यू ऑफ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल, क्या वैल्यू दे रखी है गिवन की 16 है, 16 की क्या वैल्यू दे रखी है 192 और इसे किससे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल से, नंबर ऑफ नोटबुक से. तो डिवाइड करवा देते हैं यहाँ पे साइड पे 192 डिवाइड बाय 16, 16 ones are 16, माइनस करके आया 3, नीचे उतारेंगे 2, 16 twos are 32 और माइनस करने पे रिमाइंडर 0 और वैल्यू कितनी आ गई 12 रुपीज. मतलब एक बुक की जो कॉस्ट है वो, एक नोटबुक की जो कॉस्ट है वो 12 रुपीज है. तो अभी कितने की कॉस्ट पता करनी है, 30 की कॉस्ट ऑफ 30 नोटबुक, 30 नोटबुक की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, कितनी कॉस्ट है एक की 12 और कितनी बुक्स है 30. तो ऐसे हम बस हम इनको इंटू करेंगे और वैल्यू निकालेंगे. देखो 12 को 3 से इंटू किया अगर ये आ जाएगा 36 और साथ में लग जाएगी 0, तो इतने रुपीस की जो उसकी कॉस्ट हो जाएगी टोटल. ऐसे हम इसको फाइंड कर लेंगे.
ये सिंपल सा ट्रिक हमें करना है इस सारे यूनिटरी मेथड में, बाकी सब ए टू जेड सेम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ, देखो 1 मीटर नहीं बोला, सीधा ही 5 मीटर पे आ गए। 5 मीटर क्लॉथ इज दिस रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12। तो भैया बता दो देंगे, बट आप पहले हमें ये तो बता दो कि 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है। तो अगर नहीं आप नहीं बता रहे तो हमें सोल्व कर लेने लोगों से। तो हम लिखेंगे कॉस्ट, ये ज्यादा ही बड़ा हो गया, यहां पे आएगा कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ। 1 मीटर क्लॉथ की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, देखो टोटल कॉस्ट कितनी थी, 82.50, इसे डिवाइड कर देंगे लेंथ ऑफ द क्लॉथ वो कितनी थी 5, तो इसे डिवाइड करना है सेम सिंपल डिवीजन जैसे करते हैं वैसे ही कर लेंगे। 82 यहाँ पे, 0.50 और फिर 5 डिवाइड करने चले, लेके प्रभु का नाम बोलो राम राम राम। 5 वन 5 माइनस करके आया 3, नीचे आया 2, 32, 5 के टेबल पे नहीं आता, 6 बार 30 आता है, माइनस करने पे आ गया 2। अब आगे पॉइंट है तो पॉइंट लगाना पड़ेगा पहले, फिर 5 नीचे उतारेंगे और 5 5 25 होता है, और माइनस किया अब बच गया था 0। 0 को अगर करना हो तो 0 को कर भी सकते हैं, बट पॉइंट के पीछे अगर 0 हो तो वो छोड़ भी सकते हैं। मतलब कि 1 मीटर कॉस्ट जो हुई वो 16.50 पैसा हो गई, ये 1 मीटर की निकल गई। अब 1 मीटर के बाद हमें निकालनी थी 12 मीटर की, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 12 मीटर यहाँ पे, आ गया कोस्ट ऑफ 12 मीटर क्लोथ। 12 मीटर क्लोथ की देखो कितनी कोस्ट थी टोटल, 16.50, वो 12 मीटर की पता करनी है तो 12 से इंटू। तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी कुछ ट्रिक्स बताए थे इंटू करने के, वही हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। तो गेट रेडी फॉर द ट्रिक, देखो ट्रिक क्या है कि जब भी हमें किसी भी नंबर को 12 से इंटू करना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो नंबर को एक्सपेंड कर लेंगे। जैसे ये 16.50 है, इसे इंटू करना है 12 से, तो 12 की जगह पे हम लिखेंगे 10 प्लस 2। अब दोनों को इंटू कर देंगे, इसे 10 से इंटू करेंगे तो ये 6 5 2 0 आ जाएंगी, और पॉइंट पीछे से 2 डिजिट बार लग जाएगा यहाँ पे प्लस। अब 2 से इंटू करना है तो दोनों का डबल कर दो, 50 का डबल हो गया 100, 2 0 ही आएंगी 1 कैरी, 16 का डबल हो जाएगा 32 और 1 कैरी ऐड करके 33। तो ये वैल्यूज आ गई, इनको ऐड कर दो, मतलब 165 प्लस 33 इनको ऐड कर दो, ये आया 8 9 एंड 1, 198। तो इनकी जो कॉस्ट होगी दैट विल बी इक्वल टू रुपीज 198, इतनी कॉस्ट हो जाएगी। मतलब 12 मीटर का जो क्लोथ है वो 198 रुपीज मिल रहा। ओके, ऐसे हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इन अ फैक्ट्री अ वर्कर इज पेड रुपीज 1890 फॉर 6 डेज, देखो 6 दिन के लिए उसको 1890 रुपीज दिए जा रहे हैं। तो अभी हमें क्या पता करना है कि अगर वो 25 डेज काम करता है हाउ मच विल ही गेट इफ ही वर्क फॉर 25 डेज। ओके, सो वी विल राइट वर्कर पेड फॉर 1 डे, 1 दिन का निकालेंगे पहले, 1 दिन के लिए कितने मिल रहे हैं, टोटल जो मिल रहा था डिवाइड बाय कितने दिन का उसको मिला, तो भी डिवाइड करना है, सेम जगह पे डिवाइड कर सकते हैं हम, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो 6 1 6 6, 3 18, तो आगे आ गया 3। इसके बाद ये 6 1 6 आ गया, माइनस करने पे कितना आया 3, और 6 5 30, तो 1 दिन के लिए उसे मिल रहा था 315 रुपीज। अब अगर 1 दिन का इतना है तो हमें पता करना है कि 25 डेज का कितना मिल रहा है। ओके, तो उसके लिए हम इसे 25 से इंटू कर देंगे। सो लेट्स राइट वर्कर पेड फॉर
25 days। तो उसके लिए क्या करना था हमें, 25 मल्टीप्लाई बाय 315 करना है बस खाली। तो मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। अब आप बोलोगे कि सर इसका भी ट्रिक बता दो, तो चलो बता ही देते हैं फिर, आप भी क्या याद रखोगे। सबसे पहले तो जो नंबर है जिसको 25 से इंटू करना है, तो उसके पीछे दो जीरो लगा दो और फिर उस नंबर को 4 से डिवाइड करवा दो। अब इतना तो देखो करना पड़ेगा, सारा ही ट्रिक थोड़े ना चलेगा। तो डिवाइड करवा देते हैं 4 से। 4 7s आर 28, माइनस कर दो इसमें से 28, बच गया 3। 7 5s आर 35, ओके फिर ये हो गया, और पीछे बच गई दो जीरो, और इनके पीछे दो जीरो लगा दो, लगा दो जीरो, बन जाओ हीरो। ये लो 7500 आ गया आपका। ऐसे हम इनकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ लेना, हो सकता है ये गलत भी हो। चलो देखते हैं, अगर हम एक आध क्वेश्चन गलत कर लेते हैं, क्या पूछते हो या नहीं पूछते हो। हाँ तो अभी इसके बाद 315 को मल्टीप्लाई किया हमने 25 से, हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल गलत आया है। इसको ठीक करना बाकी रह गया हमारा, वापिस से एक बार चेक करते हैं क्या मिस्टेक कर दी हमने। भाइयों और बहनों कमर की पेटी बांध ले, 315 और पीछे लगानी थी दो जीरो, और 4 से डिवाइड करना था, हमने शायद 4 से डिवाइड जो है वो गलत करवाया यहाँ पे, और यहाँ पे वापस से 4 से डिवाइड करवाएंगे हम। तो 315 पीछे लग जाएंगी दो जीरो, और डिवाइड करवाना है 4 से। अब देखो क्या करना है हमें, पहले तो ये 7 पे कट हो गया, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये सबसे पहले तो 7 पे गया, 7 के टेबल पे 28 आता है, और इसमें से 28 माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 3। 31 माइनस 28 तो ये 3 आ गया। अब इसके बाद 3 एंड 5 35 है, तो वो 4 के टेबल पे 35 नहीं आता, सॉरी ये टेबल 4 का है, तो 4 के टेबल पे 35 नहीं आता, 32 आता है 8 टाइम्स। तो माइनस करेंगे इसमें से, 32 माइनस किया तो आ गया 3। ये 7 4s आर 28 अगेन, इसमें से 28 माइनस किया तो 2 आ गया, और 4 5s आर 20, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो रुपीज 7875। अगर आपको नहीं समझ आया तो बच्चों यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं। आप बोलोगे सर इतने में तो हम मल्टीप्लाई कर लेते, कर लो फिर। 7 4s आर 28, माइनस करके आया 3, ओके 5 आ गया यहाँ पे, और 7 8s आर 32, माइनस करके आया 3 और साथ में 0, और 7 28 2 और साथ में 0, तो वही 5 हो गया। ऐसे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, ओके। तो जब भी बेटा आपको 25 से इंटू करना है, तो नंबर के पीछे दो जीरो लगा के 4 से डिवाइड कर लेना, क्योंकि 400 अपॉन 4 जो होता है वो भी कितना होता है 25, तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ओके। इसके बाद नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रोहन कैन रीड 75 पेजेस पर आवर, पर आवर एक घंटे में रीड कर रहा है, ठीक है। तो एक घंटा मतलब 60 मिनट में 75 पेजेस रीड कर लेता है। हाउ मेनी पेजेस ही कैन रीड इन 48 मिनट्स। अब देखो टाइम कम किया है, 60 मिनट से टाइम कम कर दिया है, तो पेजेस भी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, हम लिखेंगे रोहन कैन रीड पेजेस इन 1 मिनट। एक मिनट में कितने पेजेस जो हैं रोहन रीड कर सकता है, मतलब टोटल कितने कर रहा था 75, ये कितने में 60 मिनट में, तो डिवाइड करके हमें पता चल जाएगा। तो 60 को डिवाइड करवा 75 को डिवाइड करवा लेते 60 से, देखो ये 1 आया, माइनस करने पे आ गया 15, पॉइंट लेना पड़ेगा क्योंकि नंबर छोटा है, पूरा एग्जैक्ट डिवाइड करवाएंगे, और यहाँ पे लग जाएगा 0, साथ में 0 नीचे भी आ जाएगा। अब देखो ये आएगा 2 पे 120, माइनस करने पे आ गया 30, एक 0 और उतार सकते हैं क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी लगा रखा है, तो ये आएगा 5 पे,
और 5 पे करने पे 300 पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो वैल्यू आ गई 125, 1.25। ओके ये रुपीज नहीं, ये पेजेस आए, मतलब इतने पेजेस जो है वो एक मिनट में पढ़ रहा है। अब एक मिनट में इतने